नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक सोमवार को अब मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की जाती है, तो आज फिर एक बार से कैबिनेट बैठक होने वाली है। तो उसमें किन किन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कैबिनेट बैठक आज है, जिसमें पुलिस में 6,350 नए पद होंगे मंजूर, साथ ही बनेंगे किसान बाजार। कैबिनेट की बैठक सोमवार को होने जा रही है। पुलिस महकमे में 6,350 नए पदों की मंजूरी का प्रस्ताव इसमें रखा जाएगा। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में किसान बाजार बनाने की 1.5 साल पुरानी योजना को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान बाजार बनाने की घोषणा की थी, जिसमें किसान सीधे अपनी उपज को खरीदारों तक पहुंचा सके। विभाग का कहना है कि किसान बाजार के लिए शहरों में जमीन की उपलब्धता का जिम्मा नगर निगम का होगा, मंडी बोर्ड इसमें मदद करेगा। जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का काम CM इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम अथवा अमृत योजना से किया जाएगा। यहां बता दें कि पूर्व में कलेक्टरों से जमीन जुटाने की बात की गई थी, लेकिन भोपाल के तात्कालीन कलेक्टर इसके लिए जमीन की व्यवस्था नहीं कर पाए थे। अब नए सिरे से यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा रहा है। तो अभी फिलहाल दो चीज़ें हैं जो इस कैबिनेट में पेश हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है पुलिस विभाग में 6,300 नए पदों की मंजूरी। यदि 6,300 नए पदों की मंजूरी होती है तो देखते हैं फिर उन पर भर्ती कब तक हो पाती है। क्या चुनाव से पहले ये नई भर्ती हो पाएगी या फिर ये नए चुनाव के बाद नए सत्र में जा पाएगी? तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।